द्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा क्वलंबनम भव जले पततांजनाना यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटभिः सुरलोकनाथै तोत्रैर्जगत्त्रितै चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल अपन ने 18वां काव्य लिया था, उसका फिर से उच्चारण कर लेते हैं। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदाना विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकांति विद्योतय जगद पूर्व शशांक बिंबम। भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान आप हमेशा उदय रहने वाले हैं, आप मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट करने वाले हैं और कभी भी राहु के द्वारा ग्रसे जाने के योग्य नहीं हैं, कभी भी मेघों के द्वारा छिपाने के योग्य नहीं हैं और आप अधिक कांति वाले होते हुए जगत को प्रकाशित करने वाले, आपका मुख रूपी कमल अपूर्व चंद्रमंडल के समान शोभायमान होता है। अब इसके बाद में 19वें काव्य को अपन लेते हैं। किं शर्व रीषु शशि नान्नि विवस्वता वा किं शर्व रीषु शशि नान्नि विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके कार्यं कियत् जलधरैर् जलभार नम्रै कार्यं कियत् जलधरैर् जलभार नम्रहि किं शर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वता वा किं शर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके कार्यं कियत् जलधरैर् जलभार नम्रै कार्यं कियत् जलधरैर् जलभार नम्रहे इस काव्य में
भगवान स्तुति करते हुए कह रहे हैं। नाथ संबोधन के रूप में कि हे स्वामिन, तमहसु युष्मन मुखेंदु दलितेशु, आपके मुख रूपी इंदु चंद्रमा ने तमसु दलितेशु, तम सु इसमें जो है बहुवचन है, और बहुवचन यानी कई प्रकार के अंधकारों को नष्ट करने में आपका मुख चंद्र समर्थ है। एक अंधकार बहिरंग होता है, उसके भी कई भेद होते हैं। एक रात का अंधेरा रहता है और एक अमावस की रात का अंधेरा और एक घना अंधेरा रहता है। सूर्य ग्रहण के समय में भी जब खगरा सूर्य ग्रहण पड़ता है तो दिन में भी अंधकार हो जाता है। गुफाओं के अंदर अलग अंधेरा रहता है, जंगलों में भी ऐसी घनी छाया हो जाती है कि दिन में भी वहाँ पर रात जैसा वातावरण हो जाता है। तो ये बाहरी अंधकार जो हैं कई प्रकार के होते हैं, उनके साथ साथ में अंतरंग अधिकार अंधकार जो रहता है उसको भी भगवान का मुख चंद्र नष्ट करने में समर्थ होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आपके मुख रूपी चंद्रमा ने सभी प्रकार के अंधकारों को जब दलन कर दिया, नष्ट कर दिया। शर्वरीषु शशिना, शर्वरी कहते हैं रात्रि के लिए, पहले भी आया था शार्वरम अंधकारम, रात्रि संबंधी अंधकार। तो रात्रि में शशिना यानी चंद्रमा से क्या प्रयोजन, जब आपके मुखचंद्र ने सारे अंधकारों को नष्ट कर दिया तो रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन। और अन्नी विवस्वतावा किम, अन्नी शब्द दिन के लिए आता है, जैसे आप बोलते हैं पौर्वाणिक, उसमें अन्निक शब्द ही वहाँ पर, तो ये पौर्वाणिक अपराणिक शब्द में अन्नी शब्द है। तो दिन में विवस्वत ये सूर्य का पर्यायवाची है। तो जब भगवान आपके मुख रूपी चंद्रमा ने सारे अंधकारों को नष्ट कर दिया तो दिन में सूर्य से और रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन। और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके, इस लोक में जिसकी चावल की खेती निष्पन्न हो गई है और वो बड़ी शोभायमान हो रही है, पक गई है, जल भार नम्रई जल धरई कियत कार्यम, फिर उस समय में जल के भार से जो नम्री भूत हो रहे हैं ऐसे बादलों से क्या प्रयोजन। अर्थात जब कार्य संपन्न हो जाता है तो जिसके माध्यम से कार्य होता है उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसी प्रकार आपके मुखचंद्र ने जब सारे अंधकारों को नष्ट कर दिया तो जो और अन्य साधन अंधकार को नष्ट करने वाले हैं उनसे क्या प्रयोजन। यहाँ पर भगवान के मुखचंद्र के माध्यम से अंधकार अंतर का भी दूर हो जाता है, अंतस की ज्योति भी जलाने में भगवान का मुखचंद्र समर्थ है। भगवान महावीर को वैशाख सुदी दशमी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और समोसरण कुबेर के द्वारा निर्मित हो गया। एक योजन का उनका समोसरण, 5,000 धनुष ऊपर, 20,000 जिसमें सीढ़ियाँ, और सारी सभाएं भर गईं, सारे लोग एकटक होकर के भगवान के मुख की ओर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब ध्वनि खिरेगी, अब ध्वनि खिरेगी। लेकिन 66 दिन तक, बैसाख सुदी दसवीं के यानी बैसाख के 5 दिन और, जेठ पूरा निकल गया, बैसाख जेठ, फिर इसके बाद में आषाढ़ का भी पूरा महीना निकल गया, कितने हो गए 30, 30, 60 और 5, 65 दिन हो गए। इंद्रभूति गौतम को लेने के लिए सौधर्मेंद्र अपना रूप बदल करके उनके पास में
पहुंच गया। जो बड़े विद्वान थे, 500 जिनके शिष्य पढ़ने वाले, और उनके पास जाकर के कहा कि हमारे गुरु ने हमसे पूछा था कि इसका अर्थ बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप बता सकते हो क्या? संस्कृत का एक काव्य है, संस्कृत तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कहा कि त्रैकाल्यम द्रव्य शकम नौपद सहितम। त्रैकाल तीन काल होते हैं, भूत भविष्यत वर्तमान। द्रव्य षटकम, ये छह द्रव्य कौन से होते हैं? मनी मन में सोच रहा है, द्रव्य तो अनंत होते हैं, ये छह द्रव्य कौन से बताऊं? फिर नवपद सहितम, आदमी के दो पैर होते हैं। चौपाया जो पशु होते हैं उनके चार पैर होते हैं। और जो भौरा होता है उसको संस्कृत में ही षटपद कहा जाता है, उसके छह पैर होते हैं। और मकड़ी के आठ पैर होते हैं। अभी नौ पैर वाला कौन सा जानवर है? नवपद। और उस समय में अहंकार के चलो तुम्हारे गुरु से ही बात करूंगा, क्या पढ़ाते हैं, ऐसा कह करके। और वो तो वहां पर आया ही था इसीलिए, अंधा क्या चाहे दो आंखें, और बस चलो चलो। और जैसे ही समोशरण में पहुंचे और मानसतम में भगवान की छवि के ही दर्शन हुए कि अहंकार उनका पूरा दलित हो गया, और उनको वहां पर सम्यक दर्शन की, अंतर ज्योति की प्राप्ति हो गई। अब उस समय में अंदर दृष्टि डालने के लिए बाहर का सूर्य का क्या प्रयोजन? बाहरी जगत को देखने के लिए सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, रात्रि में पूर्णिमा के चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिसको बाहर देखना ही नहीं हो, जिसको अंतर जगत में देखने की दृष्टि, अंतर जगत में यदि वो देख रहा है, तो उसके लिए सूर्य से क्या प्रयोजन और चंद्रमा से क्या प्रयोजन? जब योगी राज रात्रि में चिंतन करते हैं, तो उस समय में आप लोग पूजा में पढ़ते हैं, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। उस समय में क्या सूर्य के प्रकाश की और रात्रि के समय में चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता? जिन्होंने अंतर जगत में झांकने की दृष्टि प्राप्त कर ली है, उन्हें बाहरी कोई आलंबन की आवश्यकता नहीं रह जाती। आचार्य श्री ने एक हाइकू लिखा है, दृश्य से दृष्टा। इसमें पांच अक्षर हैं, 17 अक्षर की कविता होती है हाइकू, जापानी कविता है। दृश्य से दृष्टा, गे से ज्ञाता महा। जो दृश्य दिखाई देता है उससे देखने वाला, और जो जानने योग्य पदार्थ गे कहलाते हैं, उससे ज्ञाता महा, सो अध्यात्म है। हम जिस ज्ञान के माध्यम से सारे जगत को जानते हैं, हम जिस दर्शन के माध्यम से सबको देखते हैं, लेकिन जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, उससे हम लोग परिचित नहीं हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि जिस शक्ति का प्रयोग हम बाहरी जगत को जानने में करते हैं, लेकिन वो शक्ति क्या है उस पर हमारी कभी दृष्टि नहीं जाती। और उसको जानने के लिए, जैसे हम यहाँ ये माइक है, ये किताब है, इस प्रकार से उसको जानने का प्रयास करें तो उसको नहीं जान सकते। लेकिन इससे ऊपर उठ करके पांचों इंद्रियों के विषयों की ओर ध्यान ना दे करके यदि सामान्य से उसको देखने का प्रयास करें, तो वो अंदर की शक्ति
जो ज्ञाता दृष्टा शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है उसका कुछ एहसास हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम केवल बाहरी पदार्थ को जान सकते हैं, आत्मा उनके माध्यम से जानने में नहीं आता। घर में रात्रि में कौन कौन आ गया है उसको देखने के लिए बुजुर्गों का जुम्मा रहता है, साकल लगी कि नहीं लगी, कौन आ गया नहीं आ गया, किसी को देखा जा करके कमरे में अंधेरा था, हाथ से छू करके पैर वहाँ पे आओ आ गया, ये भी आ गया। किसी की डिओडोरेंट स्प्रे की सुगंध से पहचान लिया, हो लगता है ये भी आ गया। किसी को आंखों से देख लिया और किसी के शब्द सुन लिए, लेकिन मैं लौट करके आया हूं इसके लिए पांचों इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आया हूं तो मैं अपने आप को छू करके देखूं, चख करके देखूं, गंध से जानूं कि देख करके जानूं कि शब्द से सुन करके जानूं, अपने आप को जानने के लिए पांचों इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। तो उस अध्यात्म दृष्टि को जब भक्त प्राप्त कर लेता है तो वो अपने अंतर्दृष्टि के माध्यम से आंतरिक जगत की ओर जब यात्रा करता है वही अध्यात्म कहलाती है। एक गीत है लेकिन उसमें भी यदि अपन दृष्टि से देखें तो उससे भी वहां पर अध्यात्म निकल सकता है। उस गीत में इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, ऐसे भाव हैं उसमें। तो जिन ज्ञाता दृष्टा जिन माध्यम जिनके माध्यम से बाहर दृश्य को देखता है, उन बाहरी दृश्य को ना देख करके उस ज्ञाता दृष्टा को देखने का प्रयास, ये अध्यात्म की कला है। तो यहां पर उस अध्यात्म की कला को जब भगवान के दर्शन करने आते हैं तो भगवान भी, एक बार पहले भी बताया था कि जब भक्त भगवान के चरणों में आता है और आवाज़ लगाता है कि आप कौन हैं, और जहां भगवान विराजमान रहते हैं गुंबद के नीचे वहां पर आवाज़ गूंजती है इको पॉइंट, और वहां से आवाज़ आती है कि आप कौन हैं, भक्त कहता है कि आप भगवान हैं, तो वहां से भी आवाज आती है कि आप भगवान हैं, और वो भक्त देखता है कि भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं कि तुम भगवान हो, मैं अपने आप के अंदर झांक रहा हूं, तुम भी अपने अंदर झांको तो तुम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे इस काव्य में कि भगवान जिसने आपके मुखचंद्र को देख करके अपने अंतस के अंधकार को दूर कर लिया है, अपने आत्म तत्व की जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है, उसके लिए बाहरी सूर्य चंद्र की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अब यहाँ जो उदाहरण दिया है कि जब फसल पक जाती है तब उस समय में बादलों से क्या प्रयोजन, यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से उन योगी राजाओं के लिए कहा है कि जिन्होंने शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लिया है फिर उनके लिए शुभोपयोग से क्या प्रयोजन, यानी जिन्होंने एक बार अपने अंतर की दृष्टि को प्राप्त करके उसमें लीनता को प्राप्त हो गए हैं फिर उनके लिए भगवान के दर्शन तीर्थ के दर्शन करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन यहाँ लौकिक दृष्टि से अपन इसके अर्थ को देखें तो यहाँ पर एक पॉलिसी जो चलती है जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन में उसके माध्यम से कृतघ्न हो रहे हैं उस पर अपन दृष्टि डालें, उसमें कह रहे हैं यूज एंड थ्रो, अपना काम निकालो, काम निकल गया उसके बाद में फेंक दो।
ऐसे चीजों का प्रयोग भी करने लगे हैं जिसके माध्यम से जीवन में पहले के समय में बच्चे लोग पेन को बड़े संभाल करके रखते थे, उसकी इंक उसकी नेब वगैरह का बड़ा ध्यान रखते थे। आजकल तो वो पेन जैसे ही खाली हुआ फेंक दो, दूसरा हाजिर। तो उस प्रकार से जीवन में एक ऐसी बन गई है कि भाई काम निकालो और उसके बाद में उसको अलग कर दो। और वही होता है कि फिर जीवन में संबंधों के बारे में भी ऐसा ही होता है कि जिनसे जब तक काम सत्ता है, काम निकालो और काम निकल जाए तो फिर दरकिनार कर लो। तो ये कहलाती है कृतघ्नता। दो शब्द हैं कृतघ्न और कृतज्ञ। कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ और कृतम उपकारम हन्ति इति कृतघ्न। किए हुए उपकार को जो भूलता नहीं है वो कृतज्ञ माना जाता है और उसकी प्रशंसा आचार्य लोग भी करते हैं। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने नवी शताब्दी में एक श्लोक लिखा है, कृतम उपकारम साधवो ही ना विस्मरन्ति। किए हुए उपकार को सज्जन लोग कभी भी भूलते नहीं। नारियल के पेड़ के बारे में एक श्लोक पढ़ा था, उसमें नारियल कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे मनुष्यों ने बहुत पानी पिलाया, इसलिए मैं जब बड़ा हो गया तो मैं अपने सिर पर पानी का कलश लेकर के इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि उनके उपकार को मैं भूल कैसे सकता हूँ। पशुओं के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, एक शेर के हाथ में से उसने कांटा निकाल दिया था और जब उसके लिए दास था वह यूनान का, भाग गया था और रास्ते में उसको शेर मिला, उसने देखा कि वो घायल है, चल नहीं पा रहा है, उसकी आंख से आंसू आ रहे हैं। उसके पास में पहुंचा और जब उसके पास में पहुंचा तो शेर ने अपना हाथ बढ़ा दिया कि उसके पंजे में कांटा लगा हुआ है और उसने कांटा निकाल दिया। बाद में उसको उनके मालिक ने पकड़ लिया और उसके लिए शेर के पिंजरे में डाल दिया और वही शेर था। और जैसे ही उसने देखा कि इसने तो मेरे ऊपर उपकार किया था, उसने अपने कई दिनों से भूखा होने के बाद में भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। एक भारतेंदु हरिश्चंद जी हुए हैं बड़े कवि, बड़े दानी थे और परिस्थितियां तो जीवन में बदलती रहती हैं। एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनके पास में पोस्ट करने के लिए भी पैसे, टिकट चिपकाने के लिए भी पैसे नहीं थे और उनकी बहुत सारी डाक इकट्ठी हो गई। एक उनके मित्र आए, उन्होंने देखा कि ये तो परेशानी में लगते हैं, उन्होंने जाकर के 5 रुपए के टिकट ला करके चिपका दिए सब पर और सबको पोस्ट कर दिया। परिस्थिति बदली और उनके मित्र जब भी आते वो उनकी जेब में 5 का नोट रख देते। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, जब भी आए वो 5 का नोट रख दें। तो कहते यार ये ऐसा कब तक चलेगा? ठीक है, तुम उस समय में परेशान थे, मैंने तुम्हारी मदद की। तो उस समय में भारतेंदु हरिश्चंद जी ने कहा कि जीवन की आखिरी सांस तक यदि मैं प्रतिदिन 5 रुपए भी आपको लौटाऊं, आपकी जेब में डालूं, तो भी मैं आपके उपकार से उर्ण नहीं हो सकता। ये गुण कहलाता है कृतज्ञता। एक उदाहरण बर्णी जी के जीवन का भी है। बर्णी जी एक समय में द्रोणगिर में रुके हुए थे और उस समय वहाँ के श्रावकों ने, जहाँ उनकी भोजनशाला थी वहीं उसके सामने एक गाय को जो बछड़े के साथ में वहाँ पर दूध की व्यवस्था के लिए लगा रखी थी, बर्णी जी जब अपनी भोजनशाला से भोजन करके निकलते थे तो 1.25 रोटी अपने साथ में लेकर के निकलते थे।
एक रोटी गाय को खिलाते थे और वो चौथाई रोटी उस बछड़े के मुख में दे देते थे। और वो गाय इतनी हिल मिल गई थी उनसे कि जब भी वो नदी के तरफ जाते थे तो गाय भी उनके साथ साथ जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बछड़ा जो रस्सी छुड़ा करके और अपनी माँ के जो है दुग्ध का पान करने लगा, और उस समय में दूध निकालना लोग भूल गए, मतलब उसने सारा दूध पी लिया, तो लोग कहने लगे कि आज तो बरनी जी को दूध नहीं मिल पाएगा। फिर उन्होंने कहा कि देखो बरनी जी से बड़ी हिली मिली है ये गाय, देखो हो सकता है उसने अपने बछड़े को पूरा दूध ना पिलाया हो। और जब उन्होंने उसका दूध का परीक्षण किया तो उस गाय ने पूरा दूध अपने बछड़े को ना पिला करके कुछ दूध अपना वहां पर रोक करके रखा था, और उस दूध को यानी उनके पास में ऐसी सामर्थ्य होती है यदि वो चाहें तो उस दूध को छोड़ सकती हैं, और यदि नहीं चाहें तो उसको जैसे बोलते हैं बुंदेलखंड में कि गाय चढ़ा जाती है, फिर वो दूध नहीं देती। अपने बछड़े के लिए उसने दूध नहीं दिया। उन बरनी जी के उपकार का जो प्रतिदिन एक रोटी खिलाते थे उसको उसका स्मरण रखते हुए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी परिवर्तित होती जा रही हैं कि लोग अपने माता पिता के भी उपकार को विस्मरण करके और उनके उपकार को भूल करके उनसे धन आदि लेने में तो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन उनकी सेवा आदि में पीछे हट जाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसे भी सुनने में आता है, भले ही काव्य के रूप में कहते हैं कि जिस माँ के दो बेटे रहते हैं 15-15 दिन के लिए बांट लेते हैं, और जिस महीने में 31वां दिन आता है उस दिन माँ को भूखा रहना पड़ता है। ऐसी भी स्थितियां निर्मित हो गई हैं। जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखने में जिसको परेशानी नहीं हुई, उस माँ को अब अपने फ्लैट में रखने में बच्चों को परेशानी होती है। एक जमशेदपुर की माँ जिसने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अच्छा योग्य बनाया, दोनों विदेश चले गए, और उन्होंने अपनी माँ को वहाँ पर बुलवाया, और उनका उसमें भी स्वार्थ था कि जब तक माँ यहाँ पर हवेली में रहेगी हवेली बेच नहीं सकेंगे, अपन इसको अमेरिका बुला लो, फिर उसके बाद में हवेली अपन बेच देंगे। और उन्होंने हवेली का सौदा कर दिया। कुछ दिनों के बाद में पता पड़ा कि माँ को किडनी की बीमारी है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है। कहने के लिए वो उनके पुत्र थे, लेकिन वास्तव में वो पुत्रों जैसा कार्य नहीं था। उन्होंने अपनी माँ को वापस भारत भेज दिया, जिस हवेली का सौदा कर दिया है, और कहाँ रहेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। वो अपनी हवेली पर पहुँच गई और वहाँ पर ताला देख करके पूछती है, तो वहाँ के मालिक कहते हैं कि ये तो अब हमारी हो गई है, सौदा हो गया है। सोचो क्या स्थिति। और वो बीमार थी तो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई। 50 वर्ष पूर्व में एक बार वहाँ पर दंगे हुए थे और उन्होंने एक परिवार का संरक्षण किया था। जिस परिवार का संरक्षण किया था उसमें जो महिला उस समय में थी उसने उनका उपकार स्मरण में रख करके और वो हॉस्पिटल में उसको देख करके पहचान गई कि ये तो वही मालकिन है जिन्होंने अपने को बचाया था, और वो अपनी किडनी देने के लिए भी तैयार है उस महिला के लिए। इस उदाहरण में दोनों ही व्यक्ति यहाँ पर एक कृतज्ञता की दृष्टि से और एक कृतज्ञता की दृष्टि से 50 वर्ष में पूर्वी जो है उस उपकार को याद रख करके उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और जिस माँ ने सब कुछ किया उस माँ के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति
बनती है, तो इसके लिए यहाँ पर कहा कि जब खेती पक गई है तो बादलों के जल से क्या काम। इसके माध्यम से उस स्वार्थ की भी दृष्टि हमारे जीवन में ना आए कि काम निकल गया तो फिर उसके बाद में हमारा उससे कोई प्रयोजन नहीं। विवाह के समय में जब शादी होती है तो सिर में मुकुट बांधने के लिए मोर बांधते हैं, उस समय में उसके लिए वहां पर तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, काम पड़े कछु और है, काम सरे कछु और, तुलसी भावर के पड़े नहीं सिरावत मोर। कि जब भंवर पड़नी है तो वो कहीं से ढूंढ करके लाओ, मोर बनाओ, और काम निकल गया तो सिरा दो पानी में। ये पद्धति केवल इस दृष्टि से यहाँ पर बतलाई जा रही है कि हम अपने जीवन में जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है उनको विस्मरण ना करें। एक तबलची था और वो जब तबले बजाता था तो उसको पब्लिक से थोड़ी सी, पब्लिक के बीच में बजाता था तो पब्लिक लोगों को भी कभी कभी डिस्टर्ब होता था, तो वो अकेले जंगल में जा कर के तबला बजाता था। और तबला बजाते समय देखता कि एक बकरी का मेमना वहां पर आकर के और खूब नाचने लगता, उसको बिल्कुल कि कोई नहीं होना चाहिए, उसने अपना जंगल चेंज करके दूसरे जंगल पहुंच गया। वहां देखा तो वहां पर भी यही दृश्य, परेशान। फिर उसने जंगल चेंज किया, तीसरे जंगल में पहुंचा तो वहां पर भी यही दृश्य, और उसने उस मेमने से पूछ ही लिया कि तुम्हें संगीत से, हमने सुना है मृग को तो बड़ी रुचि होती है, तुम्हें भी क्या संगीत से रुचि है? तो उस मेमने ने कहा कि आपका जो तबला है उसमें जो खाल लगी है वो मेरी माँ की लगी हुई, और जब आप उसको बजाते हो तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, इसलिए मैं कितनी भी दूर होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ पुकार रही है और मुझे उसके पास में पहुँचना चाहिए। वो मेमना मरे हुए माँ की खाल की आवाज़ सुन कर के भी पहुँच जाता है। और इस जगत में ऐसे भी लोग रहते हैं कि जिंदा माँ की आवाज़ को भी सुनना पसंद नहीं करते। कैसा स्वार्थ का वातावरण बनता जा रहा है, उस दृष्टि को लेकर के अपन इस काव्य के माध्यम से अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें एक अलंकार का भी छटा इसमें छुपी हुई है, निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोक। इसमें शाली शाली शब्द दो बार आ रहा है, एक में शाली और एक में शालिनी, लेकिन शब्द में ज़्यादा अंतर नहीं है। जब शाली शब्द का एक अर्थ यहाँ पर चावल का पर्यायवाची के रूप में है और शालिनी शब्द जो है वो शोभायमान। शाली शब्द आता है जैसे किसी को बोलते हैं बलशाली है, बुद्धिशाली है, और वही स्त्रीलिंग में यदि बोला जाएगा तो वो शालिनी शब्द उस स्त्रीलिंग की अपेक्षा से हो जाएगा। तो यहाँ यमक अलंकार की छटा है, यमक अलंकार जिसमें कि शब्द की पुनरावृत्ति होती है, जहाँ अनुप्रास अलंकार में अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। एक उदाहरण आप लोगों के लिए, शायद जिन्होंने सुना होगा वही उसका उत्तर दे पाएंगे। हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, हरि को लख हरि हरि भये, जे हरि भये उदास। इसमें हरि शब्द कितनी बार आया है, लेकिन इनके सबके अर्थ एक से नहीं है। यदि एक से अर्थ हो तो फिर मजा ही क्या उसमें, सबके अलग अलग अर्थ होने के कारण ही वहाँ पर उस छटा का, यमक अलंकार का मजा होता है। तो कोई बताएगा इसमें क्या हरि के अर्थ हैं? कोई ने सुना होगा तो ही वहाँ पर
दृष्टि जा सकती है? कोई नहीं। हाँ हाँ बताइए, प्रयास करिए, बैठे बैठे बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा ठीक है बस इतना पर्याप्त है। हरि बोले हरि ने सुनी, मेंढक को भी हरि कहा जाता है। हरि के बहुत सारे नाम होते हैं, हरि मतलब पर्यायवाची में बहुत से जीवों का नाम होता है। तो हरि बोले हरि ने सुनी, मेंढक की टर टर को सुनकर के सांप ने सुना और हरि गए हरि के पास, तो सांप जो है मेंढक के पास में पहुंच गया। और हरि को लग हरि हरि भय, एक हरि का अर्थ अंतर्धान भी होता है, गायब हो जाना। उसने पानी में डुबकी लगा ली, अब दिखाई नहीं दे रहा है। हरि को लग हरि हरि भय, जे हरि भय उदास। उनका जो शिकार चला गया तो वो उदास हो। तो ऐसी जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वो यमक अलंकार होता है। अच्छा ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने जयोदय काव्य में एक पंक्ति लिखी है, मनुजो मानवो भूयात् भारतः प्रतिभारतः, भारतः प्रतिभारतः। भारत भारत शब्द दो बार आ रहा है, लेकिन एक में भारत शब्द है और प्रतिभारतः। भारत जो है प्रतिभाशाली हो जाए, प्रतिभा में रत हो जाए, इस प्रकार से। आचार्य समंत भद्र स्वामी का जो जिन स्तुति शतक जिसमें कई अलंकारों की छटा है, उसमें उन्होंने पाद यमक अलंकार बनाया है, पूरे पूरे पाद को ही फिर से रिपीट कर दिया। आदिनाथ भगवान की स्तुति के आखिरी काव्य में कहते हैं, गायतो महिमायते गायतो महिमायते, उसी पंक्ति को फिर से लिख दिया। यानी पूरी की पूरी पंक्ति ही, पूरा का पूरा चरण पाद ही रिपीट हो गया, तो ये पाद यमक अलंकार कहलाता है। गायतो महिमायते गायतो महिमायते पदमया सहितायते पदमया सहितायते, दूसरी पंक्ति में भी पूरा का पूरा रिपीट कर दिया। अर्थ के रूप में दृष्टि से देखें अपन तो आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, जो भगवान की महिमा को गाता है उसकी वाणी में भी महिमा आ जाती है। गायतो महिमायते गायतो महिमायते पदमया सहितायते पदमया सहितायते, इसमें मैं उन भगवान के चरणों की पूजा करता हूं जो कमल के ऊपर विहार करते हैं। ऐसी स्तुति वो जिन स्तुति शतक है। तो ये यमक अलंकार के माध्यम से इस प्रकार की छटा जब बनती है तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। एक श्लोक है जिसके चार अर्थ निकलते हैं। वैसे एक कवि हुए हैं जगन्नाथ नाम के, उन्होंने एक 24 भगवान की स्तुति में एक श्लोक बनाया, उसमें एक श्लोक में 2400 भगवान की स्तुति हो जाती है, तो वो चतुर्विंशति संधान काव्य कहलाता है। और इस काव्य में चार जो हैं अक्षर, चार जो हैं अर्थ निकल रहे हैं, और वो काव्य को लेकर के कवि राजा के पास में जाकर के पहुंचा, और राजा जिसको सुना था कि बड़ा विद्वान है, और उसने उस काव्य को सुनाया। अपदम पद संयुक्तम श्वेत कृष्ण सुकोमलम सबलम निवलम चेव मांग तू पुनः पुनः। राजा ने कहा इसका अर्थ आंख है। इसमें आ रहा है कि जिसके पैर नहीं होते फिर भी बहुत चल लेती है, आंखों के भी पैर नहीं होते लेकिन आंखों की कहां कहां तक पहुंच जाती है दृष्टि। अपदम पद संयुक्तम श्वेत कृष्ण सुकोमलम, आंखें काली भी होती हैं और सफेद भी होती हैं। फिर सबलम निवलम चेव, यदि राजा की आंखें अपने ऊपर पड़ जाएं तो व्यक्ति सबल बन जाता है, और यदि वक्र आंखें पड़ जाएं तो निर्बल भी पड़ जाता है। और सब हमारे ऊपर नजरें बनाए रखना ऐसी मांग करते हैं, एक अर्थ हुआ। उस विद्वान ने सुना कि इनकी रानी भी बड़ी विद्वान है, उनके पास लेकर के गया और कहा कि इसका अर्थ बताओ।
तो रानी ने दूसरा अर्थ करते हुए कहा कि इसका अर्थ है कागज, कागज के ऊपर पत्र लिखा जाता है तो पत्र में भी पैर नहीं होते लेकिन पत्र भी कहां कहां से आ जाते हैं और वो भी सफेद होते हैं, काले काले अक्षर लिखे जाते हैं। और जब अच्छी खबर आती है तो लोग सबल हो जाते हैं और जब मरण आदि की खबर आती है तो निर्बल भी हो जाते हैं और सब लोग मांग करते हैं कि भैया भेजते रहना खबर, पूरी तरह से उसमें भी घटित हो गया। फिर इसके बाद में राजकुमार से पूछा तो राजकुमार ने कहा इसका अर्थ है पांसे, पांसों के भी पैर नहीं होते लेकिन पांसे भी चलते हैं, वो भी सफेद भी होते हैं, काले भी होते हैं और साथ ही साथ में उनमें भी जब अच्छे पांसे पड़ते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं और सब चाहते हैं कि अच्छे पांसे मिलें, ऐसी मांग भी सब लोग करते हैं। इसके बाद में राजकुमारी से पूछा गया तो राजकुमारी ने भी कह दिया कि इसका अर्थ है बादल, बादलों के भी पैर नहीं होते लेकिन बादल भी कहां कहां से आ जाते हैं और वो भी काले भी होते हैं और सफेद भी होते हैं और जब अच्छे बरसते हैं तो लोग सबल हो जाते हैं और जब नहीं बरसते तो निर्बल हो जाते हैं और सब चाहते हैं कि अच्छी बरसात हो। तो एक साथ में जो है चार चार अर्थ इस श्लेष के माध्यम से, यमक जो है उसके माध्यम से, उसमें श्लेष के माध्यम से अलग अलग अर्थ निकलता है, इस प्रकार से उसकी छटा बनती है। एक पुनिया नाम के एक सेठ थे, एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन खाली थी तो उन्होंने अपनी पैरों को सामने वाली जो सीट होती है उसके ऊपर रख लिया। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और एक ठाकुर उस ट्रेन में चढ़ा और पास में आकर के कहने लगा कि सेठ हम भी जा रहे हैं, ठीक तरह से बैठो। तो सेठ जी ने अपने पैर खींच लिए और वो सामने ही बैठ गया। वो बंदूक लिए हुए था। सेठ जी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा कि हम शिकार करके आ रहे हैं। और अपना रुतबा दिखाने के लिए उसने कहा, जानते हो शेर का शिकार करके आए हैं। जो पुनिया सेठ थे वो हमेशा श्लेष में बोलते थे, एक शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं, इस प्रकार से वो बोलते थे। तो उस ठाकुर ने कहा, जानते हो शेर? अरे कहले हमारे घर में तीन हैं। वो चौंक गया ठाकुर, कहने लगे कहले कि कहाँ रहते हैं? कहले पड़े रहते हैं हमारे पलंग के नीचे चुपचाप। समझ रहे हो, शेर और शेर एक वजन होता है, बांट जिसको बोलते हैं। ठाकुर बोलने लगा, कौन पालता है उनको शेरों को? वो कहने लगा कि हमारा लड़का। तुम्हारा लड़का क्या करता है? तो ठाकुर कहने लगा कि हमारा लड़का गबरू पहलवान है, हमारे घर में भैंस है और हमारा जो लड़का है पूरी भैंस को उठा लेता है। बचपन से यदि कोई बछड़े को उठाता रहे तो बड़ी हो जाने के बाद में भी उठाने में कोई बाधा नहीं है, प्रतिदिन कली तो उठाया था, ऐसा सोचे तो वो उठा सकता है। तो वो पुनिया सेठ कहने लगे, हमारा लड़का तो पूरे गज को अपनी पीठ पर रख करके पूरे नगर में घूम लेता है। वो चौंक गया, आप समझ रहे हो गज का अर्थ, हाँ वो कपड़े बेचने की फेरी लगाने जाता था तो पूरे गांव में वो गज को लेकर के घूमता था। फिर उस सेठ ने, उसने ठाकुर ने कहा कि सेठ हाथी को पालने में तो तुमने सुना है कि खरीदना सस्ता पड़ता है पालना महंगा पड़ता है, आपके कपड़ों से तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप इतने धनी हो। कहने लगा, तुम हमारी धनी की बात करते हो, हमारे धन की बात करते हो, तो पिछले महीने ही हमने अपनी पत्नी को 4 लाख की चूड़ियां पहनाई। अब वो कहता है कि
फिर आपके कपड़े ऐसे क्यों हैं? तो सेठ ने कहा कि देखो आजकल का जमाना खराब है, अच्छे कपड़े पहन करके निकलो तो कोई भी अपहरण कर लेता है, इसलिए अपन बिल्कुल साधारण बाहर निकलते हैं। तो सेठ, जब तुम्हारे यहाँ इतना पैसा है तो तुम्हारे यहाँ तो आलीशान फर्नीचर वगैरह होगा। अब के लिए अपनी मुंह से ज़्यादा तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है, अब आखिरी तुम बात सुनना ही चाहते हो तो ये सुन लो, हमारे घर में 2 सोने के पलंग हैं, बाकी सब लोग जमीन पे सोते हैं। जैसे ही उस ठाकुर ने सुना और वो अपनी जो सामने वाली सीट पर बैठा था और उठ के खड़ा हो गया, अरे भैया इतने धनी व्यक्ति के सामने हमारी बैठने की हैसियत नहीं, आप तो पैर फैला करके बैठ जाओ। और इतने में सेठ का स्टेशन आ गया, उन्होंने कहा ठाकुर कभी घर पे आना, और ठाकुर खुश हो गए कि चलो इतने बड़े सेठ ने हमको बुलावा दिया। तो ये श्लेष के माध्यम से एक शब्द के अर्थ होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थों के माध्यम से जहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, तो ऐसे आचार्य महाराज ने इस काव्य में श्लेष अलंकार के माध्यम से शाली वल शालिनी के माध्यम से कि जब चावल की खेती जो बड़ी सुहायमान हो रही है निष्पन्न हो गई है, तब उस समय में जल के भार से झुके हुए बादलों से क्या प्रयोजन, और ये उदाहरण के रूप में कहा। और वहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान जिसने आपके मुखचंद्र को देख करके सारे अंधकारों पर जब विजय प्राप्त कर ली है, फिर उसके लिए दिन में सूरज से और रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन। इस प्रकार से यहाँ पर अंतरंग और बहिरंग सभी अंधकारों को दूर करने वाले भगवान की स्तुति की गई है। स्तोत्र ये निराला क्या सूर्य से दिवस में और रात चंद्र जब चंद्र मुख जिनेश्वर हरते है तम अमंगल जब धान्य पक चुकी हो क्या काम मेघ माला आओ पड़े भक्तामर प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती
कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।